हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं राखी की थाली डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर थाली डेकोरेट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं रक्षाबंधन के लिए थाली सजाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने थाली लिया है और एक कलर लिया है। उस कलर को पूरी थाली में कर देते हैं। सबसे पहले पूरे थाली को कलर कर लेना है। ये देखिए, पूरी थाली मैंने कलर कर लिया है। मैं ये ग्लिटर ले रही हूँ और इसको इसके ऊपर लगा दूंगी ग्लिटर में। तो इसे पूरी थाली में फैला लेना है ग्लिटर। इस सेंटर में मैं दूसरे कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ। अब साइड साइड में मैं लेस लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ग्लू लगा लेती हूँ। ग्लू लगाने के बाद लेस लगा रही हूँ। ये पतला वाला लेस लगा रही हूँ। इस तरीके से चारों साइड में लगा लेना है। ये देखिए, एक लेयर मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पास में लगा दूंगी इसको। यहाँ भी पहले ग्लू लगा लेते हैं चारों साइड में। ये देखिए, सेंटर में भी लग गया है। तो बीच बीच में स्टोन लगा देना है। इसके चारों साइड में स्टोन लगा दे रही हूँ, छोटे छोटे वाले। पहले चारों साइड ग्लू लगा देती हूँ। इस तरीके से चारों साइड स्टोन लगा देना है, पूरे स्टोन में। ये चारों साइड मैंने लगा दिया है। अब सेंटर में भी लगा दे रही हूँ। सेंटर के लिए मैंने बड़ा सा स्टोन लिया है। बचे हुए ट्रिप को कट कर लेना है। यहाँ भी स्टोन लगा के डेकोरेट कर देना है। बीच बीच में खाली जगह है, वहां भी स्टोन लगा दे रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, स्टोन मैंने लगा लिया है। अब हल्दी चंदन के लिए कटोरी लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक की ग्लास लिया है। इसको कट कर लेना है। देखिए, अपने से कट कर दिया है।
या फिर आप ग्लिटर की डिब्बी भी रख सकते हैं तरीके से हल्दी चंदन के लिए। सबसे पहले इसको कलर कर लेती हूँ। इस तरीके से इसमें कलर कर लेना है पूरी में। इसके साइड साइड में लेस लगा देती हूँ ताकि और अच्छा दिखने लगे। चारों साइड इस तरीके से लेस लगा देना है। ये देखिए चारों साइड मैंने लेस लगा लिया है। अब इसको यहाँ पास पेस्ट कर देना। इसी तरीके से मैंने ग्लिटर की डिब्बी को भी डेकोरेट कर लिया है और उसको भी यहाँ पास पेस्ट कर रही हूँ। ग्लिटर के डिब्बी का जो ढक्कन है उसमें मैं इस तरीके से स्टोन लगा रही हूँ। चारों साइड स्टोन लगा लेना है। देखिए स्टोन लग गया है उसको यहाँ पास। ये डोरी बनाने के लिए मैंने ये धागा लिया है और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है खाली में। इसके सेंटर में मैं ये लगा दे रही हूँ जो मैंने डेकोरेट किया है अभी ग्लिटर के ढक्कन में। तो ये देखिए मेरी राखी की थाली डेकोरेट हो गई है। ये मैंने राखी भी बनाया हुआ है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकती हैं कि राखी मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।